हेलो दोस्तों, ईडेल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ और मिल्क एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स, इसमें जैंथाइन ऑक्सीडेज, सुपरऑक्साइड डिसमुटेज, सल्फाहाइड्रल ऑक्सीडेज, कैटलेज आते हैं। लैक्टोज परोक्सीडेज भी एक ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है। ये एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, जिसमें O2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इन रिएक्शंस में O2 रिड्यूस होकर H2O और H2O2 बनाता है। इस वीडियो में मैं आपको चार ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम के बारे में बताऊंगा। पहला है जैंथाइन ऑक्सीडेज। यह एंजाइम अल्डिहाइड और प्यूरिन्स को ऑक्सीडाइज करता है। जैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम मिल्क में प्रेजेंट नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। यह नाइट्राइट बैक्टीरिया को इनहिबिट करने का काम करता है। काउ मिल्क में हाई जैंथाइन ऑक्सीडेज कंटेंट होता है, जो मोस्टली फैट ग्लोबुल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। नॉर्मल मिल्क में जैंथाइन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी कम होती है, लेकिन होमोजेनाइजेशन और कूलिंग से जैंथाइन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि होमोजेनाइजेशन और कूलिंग से ज़्यादा एंजाइम मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाते हैं। जैंथाइन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी मोलिब्डेनम, कैल्शियम, आयरन को फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। काउ मिल्क में इसकी एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि काउ मिल्क में मोलिब्डेनम डेफिशिएंट होता है। जैंथाइन ऑक्सीडेज क्रीम में इसकी मिल्क से ज़्यादा हीट स्टेबल होता है। दूसरा एंजाइम है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम सुपरऑक्साइड रेडिकल्स को अब्जॉर्ब करता है और उसे H2O2 और O2 में कन्वर्ट कर देता है। सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज में कॉपर होता है, जिससे इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज लिपिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज एक हीट स्टेबल एंजाइम है जो नॉर्मल पास्चुराइजेशन पर इनएक्टिवेट नहीं होता। सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज का बायोलॉजिकल फंक्शन सेल्स को ऑक्सीडेशन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है सल्फाहाइड्रल ऑक्सीडेज एंजाइम। यह एंजाइम सल्फाहाइड्रल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करके उसे डाइसल्फाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, और यह रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इसलिए सल्फाहाइड्रल ऑक्सीडेज एरोबिक ऑक्सीडेज एंजाइम है, और इसे ऑक्सीडेशन के लिए आयरन चाहिए एज ए कोफैक्टर। थायल ग्रुप पास्चुराइज और UST मिल्क में कुक्ड फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सल्फाहाइड्रल ऑक्सीडेज एंजाइम पास्चुराइज और UST मिल्क में से SH ग्रुप को हटाकर कुक्ड फ्लेवर को रिड्यूस करता है। लास्ट एंजाइम है कैटलेज। यह एंजाइम बाकी एंजाइम द्वारा प्रोड्यूस किए हुए H2O2 को डिकम्पोजिशन करके H2O और O2 में कन्वर्ट कर देता है। यह एंजाइम मेस्टेटिक और कोलेस्ट्रॉल मिल्क में नॉर्मल मिल्क से ज़्यादा होता है, इसलिए कैटलेज को मेस्टेटिक इन्फेक्शन का इंडेक्स भी माना जाता है। यह एक हीम प्रोटीन है जो आयरन कंटेन करता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ईडेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।